हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा जो ऑटोकैड 2017 आया है न्यू, इसमें कुछ न्यू फीचर्स आए हैं वो कौन से हैं, तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो होता है आप यहाँ पर पीडीएफ की फ़ाइल को इंसर्ट कर सकते हो ऑटोकैड 2017 में, यहाँ पर भी कर सकते थे ऑटोकैड 2016 में, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ़ एक पीडीएफ फ़ाइल की तरह ही आती थी। लेकिन इसमें आप पीडीएफ की फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे ऑटोकैड 2017 में तो वो एक ड्राइंग के रूप में इंपोर्ट होगी, यानी कि जो उसमें टेक्स्ट होगा, जो उसमें साइज़ होगा उसका, जो उसकी लाइन होगी, जो भी कुछ उसके अंदर बना हुआ है वो एज़ ए ड्राइंग के रूप में आपको इसमें मिलेगा। वो यहाँ पर होता है इंसर्ट में और इम्पोर्ट पीडीएफ, देखते हैं 2016 में है या नहीं है। इंसर्ट में और यहाँ पर इम्पोर्ट पीडीएफ का कोई ऑप्शन नहीं है, इम्पोर्ट है बस यहाँ पर, लेकिन इम्पोर्ट पीडीएफ नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ सिर्फ इम्पोर्ट में सिर्फ इम्पोर्ट आ रहा है, लेकिन जब हम इम्पोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारी फ़ाइल इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पर है इम्पोर्ट के अंदर, इम्पोर्ट पीडीएफ है, टीजीएन है, एफबीएक्स है और खाली इम्पोर्ट भी है, यानी कि इस इम्पोर्ट से अलावा हमारे पास तीन ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ जो है डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, सिर्फ इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा क्या चीज़ है, ठीक है। एक तो पीडीएफ हो गया और एक यहाँ पर होता है A360 में शेयर डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ शेयर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर शेयर डिज़ाइन व्यू नहीं है 2016 में। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई ड्राइंग बना ली और आपके कोई ग्रुप है, कोई कंपनी है, और आप उसी ड्राइंग के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, आप अलग अलग हैं, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर, तो आप उस ड्राइंग को यहाँ पर शेयर डिज़ाइन व्यू के अकॉर्डिंग उसको शेयर करके और वहाँ पर आप चैटिंग भी कर सकते हो और उसको, यानी कि आप अपनी एक तरह से उस ड्राइंग को शेयर करोगे। अगर वो वहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, देखेंगे उसको जूम करके, इधर उधर करके, तो वो आपके यहाँ पर भी चेंज होगा, जैसे एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है ना टीम व्यूअर में, तो इस तरह से होगा वो, लेकिन वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगी, उसमें स्लो का प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे नेट स्लो हो जाता है, वो एक बार सर्वर पे डल के और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, कितने भी आप उसमें ऐड करके वहाँ पर चैटिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी ड्राइंग को भी देख सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास शेयर डिज़ाइन व्यू का भी है, ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल्स में दिखाऊंगा इनको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें नेक्स्ट होता है यहाँ पर एनोटेट में, अगर आप देखेंगे, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एनोटेट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन है सेंटर मार्क का, यहाँ पर सेंटर लाइंस का। तो अब से पहले 2017 से पहले जो सॉफ्टवेयर थे उनमें सिर्फ सर्कल का आप सेंटर मार्क कर सकते थे या आर्क का सेंटर मार्क कर सकते थे, लेकिन जो न्यू वर्ज़न आया है इसमें आप किसी लाइंस के उसका भी सेंटर मार्क कर सकते हैं, यानी कि वो उसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग उसका सेंटर मार्क आपको शो कर देगा एक सेंटर लाइन। ये मैं चीज़ आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा कि ये कैसे यूज़ होंगी, जबकि यहाँ पर नहीं था। अगर आप एनोटेट में जाएंगे तो यहाँ पर सेंटर लाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें एलजी टाइप सिलेक्शन, जैसे आप एक कोई लाइन बना लेते हैं, जैसे कोई लाइन बना ली और मैंने इस लाइन को डॉटेड कर दी या डैश वाली कर दी, ये वाली कर देता हूँ मैं इसको, अभी ये लाइन मैंने डैश वाली बना दी, तो जब आप यहाँ पर कर्सर लाते हो तो ये सिलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन जब यहाँ पर कर्सर ला रहे हो तो सिलेक्ट होती है, सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पर ऐसे करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगी, अगर आप यहाँ पर लाओगे कर्सर तो ये सिलेक्ट होगी। तो ये न्यू वर्जन में आया है कि आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, कि इसको कैसे सिलेक्ट करनी है, डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। कर्सर टाइप होता है, जैसे कर्सर आ रहा है अभी, ये प्लस का निशान बना हुआ रहा है, हमारा कर्सर है माउस का। और विंडो में कैसे कर्सर आता है, विंडो में ये एरो का कर्सर आता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर भी वही कर्सर करना है जो विंडो वाला है, वो भी इसमें हम कर सकते हैं।
एक शो टूल टिप्स होता है, जैसे हम कोई भी कमांड देते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं रेक्टेंगल लिख रहा था जैसे मैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आर ई से रिलेटेड जितनी भी कमांड है यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसको हम सेटिंग कर सकते हैं ऑप्शन में, जो टूल टिप्स होते हैं हमारे यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं शो टूल टिप्स की, यहाँ पर हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे वन सेटिंग आ रही है, 1 सेकेंड सेटिंग शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा 2016 में नहीं था। शो टूल टिप्स है बस, लेकिन उसकी टाइमिंग नहीं है। तो ये हमारे न्यू सॉफ्टवेयर में है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो देखने के ट्यूटोरियल मेरे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर लिखें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।